ओके वेलकम बैक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है कि uh, कि यू हैव टू नो अबाउट दैट द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स और मेटल्स सो so, तो तो हम लोग कुछ देखेंगे मैकेनिकल टेस्ट जो मेटल्स का किया जाता है वो क्या क्या है कुछ मैकेनिकल टेस्टिंग के बारे में so, सो मतलब इसके पहले हम लोगों को एक ऑलरेडी आइडिया है एक बेसिक कि बेसिक चीज़ें स्ट्रेस ट्रेन वगैरह क्या क्या होता है अब उसी का यूज़ करके कुछ जैसे हमें जैसे हमें एक जानना है कि मैक्सिमम लिमिट जो होता है हमारा मे, हमारा मेटल्स या मटेरियल का वो कितना है कितना झेल सकता है वो मटेरियल कितना स्ट्रेस कितना लोड वगैरह झेल सकता है तो उसके लिए हमें कुछ ये करने पड़ते हैं हमें टेस्टिंग करने पड़ती है उसके तो वो टेस्टिंग के बारे में हम आज देखेंगे आज बेसिकली हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस ट्रेन वगैरह का यूज करके हम एक टेस्ट करेंगे जिसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट तो उसमें हम निकाल ये ये निकालेंगे कि मतलब हमारा मटेरियल का हमारा मटेरियल का मतलब ये ये कितना है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है ओके सो लेट्स स्टार्ट तो उससे पहले कुछ बेसिक्स है स्ट्रेस का मीनिंग आई थिंक आप लोगों को पता होगा स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस का मतलब है कि द लोड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो भी मटेरियल का हम टेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब है कितना कितनी लंबी हमारी मटेरियल इलांगेट हुई है तो ओके तो स्ट्रेन है एल माइनस एल एल नॉट एल नॉट मतलब कि इनिशियल लेंथ एल मतलब जितना बड़ा हो चुका है लेंथ तो इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल नॉट यानी कि इनिशियल लेंथ तो ये सब चीज़ें का बेसिक पता होगा आई थिंक आप लोग को और उसके बाद आ जाता है एक हुक्स लॉ सो so, ये हुक्स लॉ क्या होता है हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ मटीरियल ओके सो आई थिंक अगेन यू माइट बी हैविंग द आइडिया ऑफ हुक्स लॉ कि स्ट्रेस इन 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 इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो एक इलास्टिक लिमिट एक मटीरियल का होता है उसमें वी विल डिस्कस अगेन इन द विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ अगेन सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो जब इसी का हम ये यूज़ करेंगे इसका कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो मालूम चलेगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू ई यानी कि मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी और ये इसको हम कहते थे मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडलर्स बिकॉज जो कि साइंटिस्ट था उन्होंने डिस्कवर किया था निकालाता है ये चीज़ तो जैसे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडुलस होते हैं जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि लेंथ वाइज रहता है अगर हम वॉल्यूम वाइज निकालते हैं तो अलग टाइप का मॉडुलस हो जाता है तो उसी टाइप के कुछ कुछ तो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है टेंसाइल्स टेस्ट टेस्ट कहते हैं उससे हमें जैसे कुछ कुछ मैकेनिकल टेस्ट हैं जैसे कि नंबर वन द टसाइल्स टेस्ट आज हम इसी को डिटेल में देखेंगे सेकेंड है आवर कंप्रेसिव टेस्ट मतलब जब हम मटेरियल को कंप्रेस करेंगे तो उसका क्या क्या पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं और तीसरा इम्पैक्ट टेस्ट यानी कि हम शॉक इम्पैक्ट जैसे हैमर से मारते हैं हमारा मटेरियल को तो कितना इम्पैक्ट लेगा चौथा हार्डनेस टेस्ट मतलब कितना हार्ड है और अगर फैटिक टेस्ट का मतलब है कि आप रिपीटेडली उसको लोड दे रहे हो फ्लक्चुएटिंग अलग अलग फोर्स के तो क्या मटेरियल कितना झेल पाएगा तो इसके लिए मटेरियल को हम यूज़ करने के पहले ही हम चेक कर लेंगे कि हमारा मटेरियल एक सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स पास कर रहा है या ना नहीं कर रहा है और सिक्स है क्रिप टेस्ट क्रिप टेस्ट का मैंने क्रिप uh, का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया था तो क्रिप में हम बेसिकली कांस्टेंट लोड काफ़ी लंबे देरी के लिए देते हैं तो ये क्रिप होता है ओके okay. सो so, अब देखते हैं टेंसाइल टेस्ट एक्चुअल कैसा करना ऐसा करते हैं हम ओके सो टेस्ट का लगभग इसी जैसा कुछ हमारा इक्विपमेंट्स होता है तो इसमें कुछ नहीं बीच में एक एक fixed, एक फिक्स्ड मटेरियल को हमारे स्पेसिफिक साइज का इस दोनों हुक्स पे हम बीच में डाल देते हैं और और बस उसको डाल के छोड़ देते हैं जैसे यहाँ पर है तो एक साइड एक से आपका नीचे साइड से ये कॉन्स्टेंट uh, है हिल नहीं रहा है और ऊपर से ये धीरे धीरे टेंसाइल uh, ये मूवेबल है तो जैसे जैसे इसमें एक टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं तो वो स्टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लगाएंगे यानी कि उसके लेंथ वाइज हम खींचने का प्रयास करेंगे ये ऑटोमेटिकली मशीन्स के द्वारा किया जाएंगे किया जाएगा और इस अब जब तक ये मटेरियल टूटती नहीं है तब तक हम इसका डेटा कैलकुलेट करेंगे इसके इसका यूज़ करके हम कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके निकालेंगे सो so, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम uh, के थ्रू मतलब हमारा सिस्टम यानी कंप्यूटर्स के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है और हमारा ग्राफ्स वगैरह और कितने स्ट्रेंथ तक हमारा मटेरियल क्रैक करता है या नहीं करता है तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा ओके सो टेंसाइल हमारा टेंसाइल टेस्ट के बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ का ये हुआ कुछ बेसिक्स ओके okay. अब देखते हैं इसी से किस टाइप का ग्राफ हमें आ, मिलता है अब इस ग्राफ का एनालिसिस हमें करना काफ़ी इम्पॉटेंट है बिकॉज दिस ग्राफ विल बी डिफरेंट फॉर आवर डिफरेंट मटीरियल्स तो अब अगर आप इस अल, अलग अलग मटीरियल का अलग अलग होगा तो इससे हमें मालूम चलेगा कि हम किस किस रेंज तक हमारा मटीरियल को आ, मतलब यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं तो अब इसको देखते हैं अब ये मटेरियल का सबसे पहले एक होता है हमारा आ, क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट यानी कि जब हमारा मटेरियल एज अ मतलब यंग्स यंग्स मॉडल्स जब हम निकाल सकते हैं यानी कि जब इलास्टिक लिमिट पे तो स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है सो so, हमारा ग्राफ का स्टार्टिंग से पॉइंट ए तक हमारा मटेरियल एज अ प्योर इलास्टिक इलास्टिक रेंज पे वर्क कर रहा है तो वो ए बी है इस केसेस में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और इसलिए हमारा कर्व स्ट्रेट है ओके okay, तो ये तो ये हो गया हमारा इलास्टिक लिमिट के बारे अब इलास्टिक रेंज स्टार्टिंग पॉइंट से ज़ीरो से ए तक ओके okay. अब ए बी अब और बाकी बाकी ओ ए था तो इसके बाद हम देखते हैं ए बी में क्या होता है तो ग्राफ ए बी इज़ वेरी स्मॉल कर्व इन सर्टेन मटीरियल्स ऑफ लेंथ लैंग्विच इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नॉट कॉन्स्टेंट बट स्लाइटली चेंज अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब थोड़ा सा मटीरियल uh, मतलब अपने नॉर्मल लिमिट पे नहीं आता है जिस थोड़ा सा वेरिएशन अब हम देखते हैं बी और सी से के रेंज में क्या हो रहा है तो बी सी अगेन स्मॉल रेंज का है छोटा है मतलब इन केस दैट द स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर क्विकली देन द स्ट्रेस अब यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है और मतलब थोड़े कम स्ट्रेस पे भी हमारा ज्यादा स्ट्रेन यानी कि ज्यादा इलांगेशन हो रहा है सो वैसे ही करते करते एक पॉइंट आएगी द पॉइंट सी जिसको हम कहेंगे पॉइंट इट मे बी नोटेड द लोड ऑन द स्पेस मैन द रिमूवेशन ऑफ बी टू सी विल नॉट डिसअपियर अब हमारा इलास्टिक रेंज से हम ओ ए के बाद हम हट चुके हैं अब हमारा थोड़ा थोड़ा मटेरियल अपना नॉर्मल रेंज तक नहीं आ पाएगा तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और वैसे उसी तरीका से अब अब सी डी अब और हमारा अब स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा और इंक्रीज होगा जैसे हम सी डी में जाएंगे और, और हमारा स्ट्रेस ऑलमोस्ट लाइक कॉन्स्टेंट ही रहेगा मत काफ़ी कम इंक्रीज में तो अगेन हम बार बार फोकस कर रहे हैं जैसे हम ओ से पास किए तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रेस इंक्रीज हुआ और हमारा स्ट्रेन काफ़ी मतलब हम कम ताकत लगा के ही हम इजली हमारा मटेरियल लंबा होते जा रहा है लंबा होते जा रहा है क्योंकि हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं इसी फॉर्म पे एक हमारा अगेन हम डी ई -E होगा तो अब डी ई -E जब ग्राफ डी से ई e पॉइंट मतलब हमारा निकलेगा उसमें क्या पता चलता है The graph DE is an upward curve, which indicates that the specimen regains some strength and higher values of stresses are required for higher strains. The graph rises up to the maximum limit indicated by the point E. The stress corresponding to the point E is known as ultimate tensile stress or tenacity, which is a measure of tensile strength of a material. द वर्क डन वाइल स्ट्रेचिंग द स्पेसिमन इज ट्रांसफर्ड लार्जली इंटू हीट एंड द स्पेसिमन बिकम्स हॉट अब इसका मतलब है कि एक एक काइंड uh, ऑफ kind of, एक मैक्सिमम लिमिट होगा जैसे कि ई e, uh, मतलब ई e पॉइंट पे इसमें कि हमारा ये मतलब मैक्सिमम लिमिट शो करेगा कि हमारा कितना मटेरियल uh, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है सो so, अब इस इसी इस रेंज पे हम जनरली यूज नहीं कर सकते हैं मतलब हम नॉर्मली चाहेंगे हमारा मटेरियल ए से सॉरी uh, ओ से मतलब स्टार्टिंग से डी तक मैक्सिमम तक जाए उसके बाद हम जनरली अवॉइड करेंगे ओके okay. तो ये कुछ बातें थी जो कि ग्राफ से हमें पता चलता है और जैसे जैसे हम और इंक्रीज करते जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं ई e और एफ रेंज में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस अगर स्ट्रेस अगर ज़्यादा नहीं ज़्यादा लग रहा है या नहीं भी लगे फिर भी हमारा आ, स्ट्रेन यानी कि इंक्रीज़ होते जा रहा है इवन दो कि हम अब हमारा मटेरियल डिफॉर्म होने लग जाएगा यानी कि तो ई पॉइंट काइंड ऑफ मैक्सिमम है स्ट्रेस का जितना मटेरियल तो हम अवॉइड करेंगे डी से ई e जाने में भी तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है तो इसी से इसी ग्राफ का स्टडी से हमें बहुत आइडिया मिलता है कि कि हाउ अ मटेरियल बिहेव्स कि जब उस मटेरियल का हम हम किसी किसी फॉर्म का एक टेंसाइल लोड देंगे यानी कि अलोंग द लेंथ हम खींचेंगे तो उस चीज का हम कहते हैं टेंसाइल टेस्ट ओके अब अब इससे हमें पता क्या चला इस ग्राफ से कि देखो जैसे कि पॉइंट ई e है मतलब हम ऐसा एप्लीकेशन में हमारे वो मटेरियल यूज करेंगे जिसकी जिसका रिक्वायरमेंट ई लेवल तक है मतलब जितना स्ट्रेस हम ई e में जो भी स्ट्रेस हमारा न्यूमेरिकल uh, फॉर्म पे हमें हाँ मिलेगा अगर हमारा रिक्वायरमेंट उतना तक है तो हम उस मटेरियल को चूज करेंगे और अगर मटेरियल में ज्यादा ही स्ट्रेन हो रहा है यानी कि ज्यादा ही इलांगशंस हो रही हैं हमारा जैसा हमारा यूज है तो हम अगेन उसका हम प्रयास करेंगे कि हम नहीं यूज करें उस मटेरियल को ओके सो इससे अगेन कुछ कुछ डेटास हमें मिलती है जैसे कि इलास्टिक स्ट्रेस क्या है वर्किंग स्ट्रेस ईल्ड स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो ये ये सब कुछ पैरामीटर्स हमें मिलते हैं इससे हमें अगेन हेल्प मिलता है कि कैसे कैसे हम मटेरियल uh, को यूज़ uh, कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं तो इसकी डेफिनेशन अगेन मैंशन है और हमारा मटेरियल कितना इलॉन्गेट हो रहा है लेंथ से वो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी टेंसाइल टेस्ट के और हमारा एरिया कितना रिड्यूस हो रहा है तो उसके अगेन हम चेकिंग कर सकते हैं ओके okay. तो so, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये अलग अलग ग्राफ्स किस फॉर्म के हो सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स के ओके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब आप टेंसाइल टेस्ट करोगे अलग अलग मटेरियल का तो इस फॉर्म का कुछ ग्राफ्स मिलेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फेरस मटेरियल का जैसे आप देखोगे तो कास्ट आयरन का का सिंपल कर्व था और जैसे जैसे हम आई सॉरी स्टील का देखेंगे तो अगेन एक लार्जर रेंज कवर कर रहा है तो इससे हमें मालूम चलता है कि कि हम एक स्टील को एज़ कम्पेयर टू आवर कास्ट आयरन हम वाइड वेरिए वाइड रेंज पे हम यूज़ कर सकते हैं तो इसी टेस्ट इसी टेस्ट से हमें एक्चुअली पता चलता है कि हम कितने लिमिट तक हम दे सकते हैं तो इसलिए आप इसलिए प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टील हम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसा हमें रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए हम ज़्यादा बचपुर बेनिफिशियल है तो इस ग्राफ़ से वो अगेन प्रूफ होता है इसी फ़ेरस मटेरियल के जो कर्व दिया हुआ है स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम तो इसी से पता चलता है तो ये कुछ बातें थी आई थिंक यू शुड नो रिलेटेड टू स्ट्रेस ट्रेन कर्व और इसी के थ्रू हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे एंड ओके सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स which i wanted to tell you for this this chapter okay